ॐ श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा श्रीमान अजय जी जैन, चारू जी जैन, अमन जैन, ईशिता जैन, अभी जैन परिवार राणा प्रताप बाग, श्रीमान अशोक जी, रजनी जी जैन, नरेंद्र जी, संगीता जी जैन, जगजोत ट्रेडर्स परिवार राणा प्रताप बाग, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, पवन प्रीति अंकुर तिस्ला सिमरन गोदा परिवार शक्ति नगर, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी, पायल जी, रिश्वी टियावे आर्य सोनी, प्रीत विहार, स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन, सुनील जैन, स्वाति जैन परिवार सीसी कॉलोनी, नसीब सोनी, ममता, नीतू, मनीत, पीयूत, लोहित, पलक, स्मिता, रिद्धिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए परिवार के द्वारा शांति धारा उपासना कुंज गुड़मंडी, श्री भूपत राय अमृतलाल मोदी, श्रीमती रंजना बहन भूपत राय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत झा व चिरंजीव हेतवी भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोगिता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा, स्वर्गीय श्रीमती उषा जी जैन परिवार, अजय जी जैन, रितु जैन, शक्तिनगर परिवार के द्वारा शांति धारा, श्रीमान सुरेश जी जैन, नरेश जी जैन, खिलौने वाला परिवार, रूपनगर परिवार की तरफ से भी शांति धारा, श्रीमती शकुंतला जी जैन सह परिवार बुद्धा अपार्टमेंट परिवार की तरफ से भी शांति धारा, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, राजेंद्र मीना, नैन्सी, अभिषेक गोदा, रुचि, पुलकित सेठी परिवार शक्तिनगर, श्रीमती इंदु जी जैन, आकाश जी जैन परिवार राणा प्रताप बाग, श्रीमती जयमाला जी जैन, श्रीमान महेश चंद जी जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए परिवार की तरफ से शांति धारा, समस्त शांति धारा करता परिवार। ओम नमः त्रिदेवे श्री भीतरागाये नमः, ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थितंग्रहे द्वादश गण प्रवेशिताये शुक्ल ध्यान पवित्राये सर्वज्ञाये स्वयंभुवे सिद्धाये बुद्धाये परमात्मने परम सुखाये त्रिलोक्यमय व्याप्ताये अनंत संसार चक्रीय मदनाये अनंत दर्शनाये अनंत ज्ञानाये अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोके वंशकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे धनेन्द्र मनामंडित मंडिताय ऋषि आरिका चावक चाभिका चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय आत्मा कर्माचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, ब्रह्मचार्य निरंजना शास्त्री दीदी दी, स्वात्मा भारतम आपके शांति धारा पुण्यार्जन श्री अमित जैन, इंद्र जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा करता स्वागत परिवार ए 3/10 राणा प्रताप बाग से सुचि जैन, श्री विवेक जैन जी के जन्मदिन पर कविता अर्णव, शील चंद जैन, निर्मल जैन परिवार शिशु कॉलोनी की तरफ से शांति धारा अपवायम सर्व
भगवतों के आने आने बच बच कुट कुट शिक्रम शिक्रम क्रू क्रू यात्म सूत्री लोकेशु व्याधि वर्जन वर्जितम अभय मे मरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांति रस्तु सदासु शिवमस्तु सदासु दयोस्तु सदासु नित्याकं रोग्यमस्तु सदासु अस्माकं पुष्टिरस्तु सदासु स्वस्ति रस्तु सदासु समृद्धि रस्तु सदासु कल्याणमस्तु सदासु सुखमस्तु सदासु अभिवृद्धि रस्तु सदासु दीर्घायु रस्तु सदासु कुल गोत्र धनादि सदा संतु सह धर्म श्री बाल नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु 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 नरकादि चतुर्गति कविनाशनं भवतु 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 ओम ग्रीं द्रीं ग्लीं हरमति आसनाद विदाये नमो अरियंतानं ओम सर्व शांतिम क्रू क्रू स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिण दोषकलमताये दिव्य ज्योति मूर्तिये नमः श्री शांति नाथाये शांति कराये सर्व पाप नाशनाये सर्व विघ्न विनाशनाये सर्व रोग उपशम मृत्यु विनाशनाये सर्व कामच्युत रोग विनाशनाये सर्व चामडामर विनाशनाये ओम ग्राम ग्रीम ओम ओम अति आवदा परम नमः सर्व शांतिम क्रु क्रु प्रतिपाल का नाम यतेन्द्र सामान तपोदधानम देश से राश से पुर से राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए संकट रण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज मैं इतना खुश हूँ कि जिसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और ये खुशी केवल आप सबकी बदौलत मुझे मिली है। भगवान पार्श्वनाथ का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो पूरे विश्व ने 19 से 25 अप्रैल 2024 तक देखा, एक अद्भुत पंच कल्याणक जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, जिसे रोज टीवी के माध्यम से 16 लाख लोग, 17 लाख लोग, 18 लाख लोग, 15 लाख लोगों ने लगातार देखा। बंधुओं, ये सब आपकी वजह से हुआ। आज ये भव्य जिनालय भगवान संकटरण पार्श्वनाथ जैन मंदिर राणा प्रताप बाग जो आप देख रहे हैं, ये सब आपके सहयोग से बना है। जैसा आप सभी को पता है कि आपने भूमि में दान दिया, 24 परिवारों के द्वारा यहाँ पर 24 मंदिर, अलग अलग वेदियाँ, एक वेदी में करीब 450 किलो की प्रतिमा और अलग से वेदी, ये भी उन 24 परिवारों का ही पुण्य का उदय था जिन्होंने ये कार्य किया। इसी तरीके से 24 प्रतिमाएं 9 इंची की जो आप सभी देख रहे हैं, ये इसी तरीके से 72 प्रतिमाएं 5 इंची की जो आपके समक्ष रखी हुई है, इसी तरीके से 24 प्रतिमाएं 3.5 इंची की चांदी की सभी परिवारों के द्वारा दी गई। सभी परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये पुण्य कार्य किया। ये एक ऐतिहासिक मंदिर जो आप देख रहे हैं, शायद हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये 2000 गज जगह पे बनने वाला ये विशाल मंदिर, जिसमें 1300 गज के अंदर ये मंदिर, 300 गज में धर्मशाला और 500 गज में हॉस्पिटल, जो अभी तुरंत 2-3 दिन में ही कार्य शुरू हो जाएगा, ये सब आपकी बदौलत हुआ। पर अब हम चाहते हैं कि सब चीज़ें यहाँ पर बन गई, पर हमें यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ 23वें पार्श्वनाथ भगवान के 23 फाइव स्टार कमरे भी हम जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें बराबर में ही जो भूमि किसी ने खरीदी थी वो भी कैंसिल हो गई,
और वो भी कल उसका हमारे पास फ़ोन आया पंचकल्याणक के दौरान ही कि भैया वो जिसने ली थी वो कैंसिल हो गई है, अगर आप चाहो तो हम सबसे पहले मंदिर जी को देना चाहते हैं, तो वो 600 गज भूमि भी हम अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे तो अवश्य लेकर के यहाँ पर 23 कमरे जो 5-स्टार कमरे हम बनाना चाहते हैं, जिसे आने वाला दर्शन भी करे, यहाँ पर रहने की सुविधा हो, यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा हो, यहाँ पर आपको रहने की सुविधा हो, आपको वो शुद्ध भोजन की सुविधा हो, ये सब कार्य शायद दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में एक जगह आपको करने के लिए नहीं मिलेगा। ये सब आप सबके सहयोग से हुआ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मात्र 90,000 रुपये की एक गज जगह है, आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 90,000 रुपये दे करके बंधुओं इस पुण्य लाभ को भी, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अवश्य लेकर धर्म लाभ ले लेना। आप अपना घर चाहे 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का बनाएं, शायद हमें उसके जब जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, पर मंदिर जी में या कमरे बना देंगे या हॉस्पिटल बना देंगे तो हमें पूरे जीवन, अपना जीवन नहीं हजारों साल तक याद किया जाएगा। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो भी परिवार चाहें अपने परिवार की तरफ से मात्र एक गज का 90,000 रुपये, जिस तरह आपने हमारा मंदिर में, हॉस्पिटल में सहयोग दिया, उसी तरीके से ये नवीन भूमि जो हम लेना चाहते हैं इसके अंदर भी हमारा सहयोग करके और धर्म लाभ लेवें। ये 24 दिनालय एक ऐसा मंदिर, आप दिल्ली आएंगे जब देखेंगे तो कहेंगे कि वाक्यों में जो पैसा हमने दिया उसका 100% सदुपयोग हुआ। इसी तरीके से पहली बार आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का, जो हमारे बीच में अभी नहीं रहे, पर उनकी वेदी व प्रतिमा जो आप सभी के समक्ष अभी देखने को मिलेगी नीचे 800 गज के हॉल में, इसको भी स्थापित किया जाएगा। कोई भी परिवार चाहे उसमें भी अपना योगदान देना चाहे तो हम चाहते हैं कि जो नीचे का हॉल है उसमें एक परिवार आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज को जहाँ पर हमें स्थापित करना है, आने वाली 10 जून को आप अपने परिवार की तरफ से 51,000 रुपये की, 1,00,000 रुपये की राशि दे करके उसमें भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। उस हॉल में जो भी योगदान देगा उसका नाम लिखा जाएगा। करीब जो हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार F1U प्रीतमपुरा परिवार की तरफ से दी गई है वो वहाँ पर स्थापित करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये नवीन जिनालय जिसमें रोज़ 500 से 700 800 लोग रोज दर्शन करते हैं, मेन GT कनराल रोड पर, ऐसा शायद दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ रोड के ऊपर मंदिर हो और GT करनाल रोड के ऊपर हो। ये आपका और हमारा सौभाग्य था कि हमें एक ऐसी जगह जहाँ पर कूड़े का ढेर था वहाँ आज हमारे 24 भगवान के 24 मंदिर, 5 मुख्य वेदियाँ जो आप देख रहे हैं, इतनी सुंदर नक्काशियाँ, यहाँ पर चांदी की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, ये सब आप ही सबके सहयोग से हुआ। इतनी सुंदर POP शायद कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी POP भी यहाँ पर लगती है। फैन भी इतने सुंदर, पूरा AC का काम, आप जब भी आएंगे आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाक्यों में हमारे जो पैसा दिया था उसका यहाँ पर 100% सदुपयोग हुआ है। आप सभी से फिर एक बार मेरा निवेदन है कि अवश्य जो 600 गज भूमि बची है हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हो, और ये मंदिर करीब 2600 गज जगह में मंदिर, धर्मशाला, आपके रहने की व्यवस्था, हॉस्पिटल, बच्चों को रखने की जो ज़रूरत है वो भी हमारी पूरी इन कमरों के द्वारा हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। और वो जब ही होगा जब आप सब लोग इस कार्य में भी हमारा साथ देंगे। आप सबने देखा उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद और भगवान पार्श्वनाथ का कितना बड़ा चमत्कार ये साबित हुआ है, जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं था कि ये पंचकल्याणक इतनी जल्दी होगा क्या। जब लोग पूछते थे कि अभी तो मंदिर नहीं बना और आज देखते तो कहते कि ये कैसे चमत्कार हुआ। जब भगवान को यहाँ पर स्थापित किया उस दिन सुबह 42 डिग्री टेम्परेचर और जब शाम को भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान हुई तो इतनी बरसात हुई किसी ने सोचा भी नहीं था शिमला का जैसा मौसम यहाँ हो गया। ये सब हमारे को भगवान का आशीर्वाद था, उपाध्याय श्री का आशीर्वाद था, रंजना दीदी का हमें निर्देशन था, पंडित जी भी हमारे पंच कल्याणक में, आप सबने सुना होगा हसमुख जी दरियावत जिनके सानिध्य में, हमारे नितिन भैया जी, हमारे और भी बहुत से पंडित आकर के जो कार्य हुआ, शायद पहली बार एक ऐसा पंच कल्याणक पूरे विश्व में हुआ होगा जो इतनी शुद्धता से, जहाँ पर विश्वविद्यालय हो उस कंपाउंड में स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर जहाँ पे एक साथ 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता थी उसके अंदर ये पंच कल्याणक हुआ। हम सबका सौभाग्य था, हमारा भी सौभाग्य था कि हमें, मुझे इसमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिला,
मेरे पुत्र व पुत्र वधु को यहाँ पर सौधर्म इंद्र व सच्ची इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला, मेरी माता जी को यहाँ पर बुआ बनने का सौभाग्य मिला, मेरी बिटिया को अष्टकुमारी बनने का सौभाग्य मिला, मेरे भाई को यहाँ पर ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य मिला, मेरे भतीजे को यहाँ पर सानत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। ये हमारा कोई पिछले कर्म का ही पुण्य था। मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि जो कमरे हम बनाना चाहते हैं उसमें 600 गज जगह में आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 90,000 रुपये एक गज की राशि है देकर के बंधुओं इस धर्म लाभ को भी अवश्य लेना। अभी अभी देखो एक और चेहरा हमारे समक्ष आया जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से 21 लाख रुपए की राशि दे करके और एक सुंदर हॉल नीचे बनाया कि नहीं कोई साधु परमेष्ठी आए तो वो नीचे रुके यहाँ पर प्रवचन करें। ऐसे हमारे बीच में हमारे प्रदीप भाई जो जैन कॉलोनी से हैं इनके परिवार की तरफ से नीचे का हॉल बनाया गया, इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन। ये हॉल जो आप सब देख रहे हैं हमारे श्रीमान अशोक जी नरेंद्र जी जगजोत ट्रेडर्स परिवार के द्वारा बनाया गया और नीचे की जो बेसमेंट करीब 800 गज में बन रही है वो हमारे श्रीमान सुभाष जी जैन अमित जी जैन परिवार अशोक विहार के द्वारा बनाया गया। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन करीब हजारों परिवारों ने हमारा साथ दिया, दिल्ली यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक गुवाहाटी आसाम सबकी तरफ से जो पैसा दिया आज वो सब आपका सपना साकार हुआ। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 600 गज जगह जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको रखने की व्यवस्था उनके शुद्ध भोजन की व्यवस्था हम चाहते हैं कि यहीं इसी जगह पर हो, ऐसी भावना के साथ में आपसे एक बार फिर निवेदन कि आप एक गज भूमि की राशि 90,000 रुपये की है जिसमें हमारे पास में करीब 90 गज का पैसा पहले ही दिन आ गया था। आप सब एक गज दो गज पाँच गज 11 गज 21 गज 51 गज जैसी आपकी क्षमता हो दे करके धर्म लाभ लेवे। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए सम्मेद शिखर तीर्थ राज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है लगातार 10 वर्षों से जाने वाली ये यात्रा इस बार की 11वीं यात्रा श्री सम्मेद शिखर जी की 11,000 भाई बहनों की एक साथ करीब 22 ट्रेनों में वे 6 फ्लाइट के द्वारा 15 व 16 अक्टूबर को जाएगी व 20 अक्टूबर को वापस आएगी। जो भी भाई बहन हमारे साथ में चलना चाहते हैं वो अपनी टिकट आज से 15 जून तक का समय है क्योंकि 16 जून को रेलवे के द्वारा 4 महीने पहले टिकट बन जाती है, इसलिए आप अपनी अपनी टिकटें 15 जून तक जहाँ जहाँ जो जो नाम हमने रिजर्वेशन करने के लिए आपको दे रखे हैं वहाँ से आप अपनी टिकट करवा सकते हैं। हमारी ये यात्रा दिल्ली फरीदाबाद गाजियाबाद गुड़गांव नोएडा सोनीपत पानीपत अम्बाला लुधियाना जलंधर अमृतसर महाराष्ट्र से पूना मुंबई सदलगा इचलकरंजी गुजरात से अहमदाबाद बड़ौदा सूरत महसाना वापी और भी जहाँ से ट्रेनें जाती है वहाँ से राजस्थान में इसी तरीके से दौसा जयपुर अजमेर किशनगढ़ ब्यावर भीलवाड़ा उदयपुर माउंट आबू व जोधपुर से जाएगी कर्नाटक से बेंगलोर चेन्नई और भी गुवाहाटी जहाँ जहाँ से जो भी सुविधा है ट्रेनों की या बसों की या फ्लाइटों की वहाँ वहाँ से ये यात्रा एक साथ 15 व 16 अक्टूबर को जाएगी व सभी ट्रेनें व फ्लाइट 17 अक्टूबर को सुबह श्री सम्मेद शिखर जी में पहुँचेगी। हम सभी एक साथ वहाँ पहुँचेंगे और धर्म लाभ लेंगे। जो भाई बहन अभी तक किसी कारण से यात्रा नहीं कर पाए हों वो ऐसे यात्रियों को हम सबको निःशुल्क लेकर के जाएंगे। शर्त यही है कि वो अभी तक नहीं गया हो वही यात्री केवल निःशुल्क जाएंगे। बाकी आर्थिक कारण से भी अगर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता हो ऐसे यात्री भी हमारे साथ में निःशुल्क जा सकते हैं। वो भी वही जाएं जो वाक्यों में आर्थिक कारण से या और किसी कारण से नहीं जा सकते हैं। सभी यात्रियों के लिए यह सुविधा नहीं है। आप सभी को जैसा पता है इस यात्रा के अंदर एक ऐतिहासिक यात्रा 5-स्टार यात्रा जिसमें गत वर्ष करीब 7500 भाई बहन गए थे, इस बार हम 11,000 भाई बहनों को ले जाने के लिए हमने घोषणा की थी वही लेकर के जाएंगे।
संपूर्ण सामग्री की किट, जैसा आप सभी को पता है, हमारे श्रीमान श्री महावीर प्रसाद जी, सूर्यकांता जी, कासलीवाल परिवार, इचलकरण जी के द्वारा हम सबको दी जाएगी। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपने परिवार की तरफ से 51 भाई बहनों को अगर लेकर जाना चाहें, जो नहीं जा सकते हों, मात्र 1,51,000 रुपये की राशि देकर के बंधु हों, इस पुण्य लाभ को आप भी ले सकते हैं। आज पहला नाम हमारे पास में 1,51,000 रुपये की राशि देकर के परिवार के द्वारा 51 लोगों को निःशुल्क ले जाने के लिए हमारे पास में सुमित शाह परिवार पुणे, जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से पहला नाम दिया और 51 लोगों को निःशुल्क यात्रा महाराष्ट्र से या कहीं से भी वो लेकर के जाएंगे, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने जीवन में ये पुण्य कार्य करके और धर्म लाभ ले सकते हैं। ये यात्रा जो संपूर्ण भारतवर्ष से जाएगी, जाकर के आप भी धर्म लाभ ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी टिकट बुक करा करके ये कार्य कर सकते हैं। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।